एवरीवन, दिस इज पलक मालवे एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अपने अपने घर में सेफ एंड हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में अगेन एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ प्रोडक्ट का। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कॉमेंट और शेयर भी अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर कीजिए। तो प्रोडक्ट का आज मैं रिव्यू आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, वो प्रोडक्ट है शुगर का। एंड ये है शुगर का ब्रॉन्जर, मिनी ब्रॉन्जर है ये। एंड पहले बात करते हैं मैंने परचेज कहाँ से किया है। तो ये मैंने परचेज किया है अमेजोन से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। या आपको ये ऑनलाइन स्टोर पर भी किसी भी साइट पर मिल जाएगा, या फिर आप शुगर की साइट से भी इसे परचेज कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट से किसी भी स्टोर शुगर स्टोर से इसे भी परचेज कर सकते हैं। तो मैंने तो इसे अमेजोन से परचेज किया था। एंड ये पैकेजिंग की बात करूँ तो ये एक बहुत ही अच्छे से ब्लैक कलर की शुगर के बॉक्स में आया था। वो बॉक्स तो मैंने नहीं रखा, फेंक दिया। बहुत अच्छे से मतलब बबल रैप होकर उस ब्लैक कलर के बॉक्स में आया था ये। देन उसके बाद में फिर इस तरीके से मिनी बॉक्स मुझे आया है। ब्लैक कलर की पैकेजिंग है, ऊपर यहाँ पर शुगर का एस लिखा हुआ है शुगर। एंड बैक साइड में इसका जो शेड है ये है 01 टॉपे टॉपर। इसमें दो शेड्स अवेलेबल है, 01 एंड 02। तो ये 01 शेड है। एंड यह लिखा हुआ है कॉन्टोर डे फोर्स मिनी ब्रॉन्जर। एंड सारे इंग्रीडियंट्स यहाँ पर मेंशन है। एंड नेट वेट यहाँ पर 4 ग्राम्स आपको मिल जाएगा। और प्राइस यहाँ पर है 399। एंड 399 में ही मुझे मिला है, बिकॉज शुगर पे बहुत कम डिस्काउंट मिलता है। एंड आई थिंक अभी शायद अमेजोन पे इस पर डिस्काउंट चल रहा है, आई थिंक 10% या 5% आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो 399 का मुझे रिसीव हुआ था। और इसका अगर मैं आपसे बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग की, तो 9/2020 है। एंड यूज बिफोर 2023, इट मीन्स की 3 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ आपको मिल जाएगी। एंड बहुत ही मिनी सा इसका बॉक्स है। एंड इस तरीके से आप इसे स्लाइड करके इसे ओपन कर सकते हैं। एंड पर्पल कलर का इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इसकी पैकेजिंग है बहुत क्यूट सी, ट्रैवल फ्रेंडली है और काफ़ी इजीली आप कैरी कर सकते हैं। बैक साइड भी ऑल चीज़ मेंशन है कि प्राइस एंड ऑल। और यहाँ पर भी इसका शेड दिया हुआ है 01, जो कि मेरा शेड है 01। एंड इसे ओपन करते हैं तो ये मैग्नेटिक इस तरीके से आपको एक फॉर्म मतलब मैग्नेट वाला ही आपको मिलेगा। ओके, तो इसे ओपन करते हैं। जब आप ओपन करेंगे इसे तो इस तरीके से आपको एक प्लास्टिक शीट मिलेगी, और ये मैग्नेट का इस तरीके से आपको इसका कवर मिलेगा। प्लास्टिक शीट से आपका क्या जो प्रोडक्ट है बिल्कुल सेफ रहेगा और मैसी नहीं होगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो इसका शेड है, मैं आपको अपने हैंड पे से एक बार स्वाच करके बताती हूँ। टेक्सचर बहुत स्मूथ है, बहुत सॉफ्ट है। एंड 01 शेड है मेरा, 02 भी आता है। व्हाइटिंग से थोड़ा सा डार्क होता है, आपको इसे बताती हूँ। मतलब बहुत नेचुरल वाला शेड है। आई थिंक आपको कैमरे पे इतने अच्छे से यहाँ इस हैंड पर नहीं दिख रहा है, तो मैं इसे आपको ये देखिए बहुत एक लाइट शेडो आपको प्रोवाइड करेगा ये, और बहुत स्मूथ फिनिशिंग है। एंड बिल्कुल भी इसका जो टेक्सचर है वो रफ इस तरीके का नहीं, बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ है। तो मैं इसे आपको अपने फेस पे अप्लाई करके बताती हूँ। एंड मैं आपको बताती हूँ कि इसे आपको परचेस करना चाहिए या नहीं, एंड क्या रिजल्ट मिलता है इसे अप्लाई करने के बाद में, कैसा इसका रिजल्ट मिलता है। तो आइए आपको अप्लाई करके बताती हूँ मैं। कलरिंग करने से पहले मैंने अपने फेस पर फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। आप जब भी कॉन्टोरिंग करें तो पहले अपना जो बेस मेकअप है वो पहले कर लीजिए। तो स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं प्रोडक्ट को पिक करूँगी। एंड पहले मैं अपनी फेस कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, तो आप लोग शेड देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा शेड है। पहले मैं प्लेस कर रही हूँ पूरे ऑल ओवर फेस पे, देन आफ्टर उसके बाद मैं ब्लेंडिंग करूँगी। तो बहुत कम प्रोडक्ट लग रहा है और इजीली ये लग रहा है, आप लोग खुद देख सकते हैं। और इंडियन स्किन टोन की सबसे बहुत बढ़िया कलर है, यू कैन सी।
तो नेचुरल कॉन्टोर दिखेगा। अगर आप लाइट कॉन्टोर चाहते हैं तो इसे यूज कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लेंड में, आपको इसके बाद करके बताऊंगी कि ब्लेंड कैसा हो रहा है। इजीली ब्रश में पिक हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एंड उसका टेक्सचर है वो भी काफ़ी स्मूथ सा टेक्सचर है। पाउडर बेस्ड है तो फोरहेड पे भी मैं आपको करके बताती हूँ इसे। ओके, तो मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसे ब्लेंड करूंगी ब्लेंडिंग ब्रश से। यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग ब्रश ले लिया है, मैं इसे ब्लेंड करूंगी। इजीली ब्लेंड हो रहा है। एंड आप लोग देख सकते हैं कितनी नेचुरल ब्रॉन्जिंग, कितनी नेचुरल कॉन्टोरिंग दिख रही है। तरीके से आपको ब्लेंड करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं और आप चाहते हैं कि कॉन्टोरिंग पे मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट डाउन जरूर कीजिए, मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी। बिकॉज कॉन्टोरिंग से फेस बिल्कुल अलग हो जाता है, एकदम आपके जो फीचर्स हैं बिल्कुल उभर के दिखने लगते हैं। फेस आपका स्लिम दिखने लगता है, नोज आपकी स्लिम दिखने लगती है, ऑल ओवर आपके मतलब आप लोग खुद डिफरेंस देख सकते हैं। एक नेचुरल शेडो आपके फेस पे दिखाई देता है, यू कैन सी। एंड ये जो शुगर का मैं अभी जो यूज़ कर रही हूँ ये कॉन्टोर, आप लोग देख सकते कितना नेचुरल इसका जो शेडो बन रहा है, कितना नेचुरल दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फोरहेड पे भी इसे ब्लेंड कर लेंगे। एंड नोज के लिए मैं स्मॉल ब्रश से ही इसे ब्लेंड करूंगी। लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया और बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हुआ है, बिल्कुल विदाउट एनी कोई भी मतलब मुझे ऐसे मेहनत नहीं करनी पड़ी कि ब्लेंड नहीं हो रहा है या पैचिनेस का ही, मतलब बहुत नेचुरल इसने फिनिशिंग दी है। तो अमेजिंग वाला प्रोडक्ट है, आप इसे ज़रूर परचेस कीजिए। अमेजोन पे इसे मैंने परचेस किया था, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। और अभी अमेजोन पे आई थिंक इस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको, तो आप परचेस कर सकते हैं। एंड मतलब ऑसम वाला प्रोडक्ट है, आप ज़रूर परचेस कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी परचेस कीजिए, या फिर आप अपना पार्लर रन कर रहे हैं तो भी आप परचेस कर सकते हैं, या फिर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी अगर परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। और आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम हैंडल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।